नमस्कार दोस्तों, टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द स्काई पिंक मूवी के बारे में, जो कि एक फ्राइडे को ये रिलीज की गई है 11 अक्टूबर के दिन, और इसका कैंपेन करेंगे वॉर से। ये वॉर के सामने रिलीज हुई, इसको थोड़ा सा कम स्क्रीन भी मिली है, और वॉर का जो कि दूसरा वीक चल रहा है, फिर भी अपना जो कि ज़बरदस्त कलेक्शन बना रखी है वॉर ने। और पिंक मूवी एक फैमिली ड्रामा मूवी है, ये काफ़ी एक अच्छी मूवी है। आयशा चौधरी नाम की एक 19 साल की मोटिवेशन स्पीकर थी, जो कि 19 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी लंग की प्रॉब्लम की वजह से। उनका लंग का प्रॉब्लम था, वो जिसमें उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो ये मूवी आयशा चौधरी के ऊपर न बनकर के उनके माता पिता के ऊपर बनाई गई है, कैसे उनके माता पिता मिले थे, और एक लव स्टोरी मूवी है कैसे वो लोग मिले थे और कैसे उनका हुआ था प्यार। और ये मूवी की अगर बात करें तो टोटल उसको इंडिया में 1800 स्क्रीन मिली है, 1800 स्क्रीन में काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। और ये जो है कि वॉर के आगे थोड़ा सा इसका कंपटीशन कम होने, मतलब कलेक्शन कम होने वाला है, बट फिर भी जो है कि पहले दिन अपना जो है कि 10-12% की ऑक्युपेंसी के साथ ये मूवी ओपन हुई थी पहले दिन, और काफ़ी अच्छा रिव्यू फिर भी आया था। और इसका जो पहले दिन के अगर कलेक्शन के बारे में बात कर ले हम, तो पहले दिन का कलेक्शन जो था वो टोटल 5 करोड़ था इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कलेक्शन। वहीं पर सेकंड डे की कलेक्शन की अगर बात कर लें तो सेकंड डे में भी 8-10% की ऑक्युपेंसी के साथ ये मूवी ओपन हुई है, और इसका अब तक यानी दोपहर तक का जो है कलेक्शन और नाइट शो का जो भी है, इसको अगर मिला के बात करें तो 4 करोड़ तक ये आज बिजनेस कर लेगी, और ऑल ओवर इंडिया में 7 करोड़ आसानी से कर लेगी सेकेंड डे में। और दोस्तों फर्स्ट डे इसका जो कलेक्शन पूरे अगर बात कर लें तो 11 करोड़ पूरा वर्ल्ड वाइड का, तो 11 करोड़ रुपए का था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।